हेलो यूट्यूब, पूनम्स कुकिंग पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे दही शाही दही बल्ले चाट। उसमें हमें लेना है मूंग दाल, उसे 3 से 4 घंटे सोख करके उसे उसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब उसमें हम लोग डालेंगे गेहूं का आटा, नमक, हल्दी और धनिया पत्ता। आप इसमें चाहे तो मिर्च, हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। अब अपने हाथों को वस्कर बनाएंगे और हाथों से ही इसे 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से फेंटना है। ये फेंटने से आपका जो बड़ा है वो बहुत ही हल्का और सॉफ्ट बनेगा। इस अब हम लोग दही वड़ा का पानी तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हम लोगों को सरसों के दाने को कूट लेना है और उसे पानी में मिलाना है। हींग भी डालेंगे और कुछ धनिया पत्ती डाल देंगे। अब हम लोग वड़े की तैयारी करते हैं। इसके बीच में हम लोगों को एक किशमिश लेना है और वड़े के डो को अच्छी तरह से हाथों में लेके एक गोल शेप बनाते हुए गर्म गर्म तेल में डालते जाएंगे। चारों तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन होने तक इसे फ्राई करते रहेंगे। फिर इसको अब हम लोग डायरेक्ट उस पानी में डालते जाएंगे जो हम लोगों ने अभी तैयार किया था। इसका अच्छी तरह से तेल निकालते हुए हम लोग पानी में डायरेक्ट डालेंगे। ये अभी ही सॉफ्ट हो चुका है। ये थोड़ी देर के बाद ये फूल के पानी से बाहर आ जाएगा, यानी कि पानी में तैरने लगे। इसका मतलब आप समझ जाइए कि आपका वड़ा परफेक्ट बना है। अब प्लेटिंग करेंगे। प्लेट में हम लोग 4 वड़े डालेंगे, फेटे हुए दही, हरी चटनी, अनार के दाने। चाट में जैसे आप लोग सजाते हैं, जो चीज़ डालना है आपको, जो चीज़ जो भी पसंद है वो सब आप डालिए। उसमें थोड़ी से सेब डालेंगे, थोड़े प्याज, ऊपर से एक बार और हरी चटनी, इसमें काला नमक और चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। इट्स रेडी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।